न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। आपको बता दें एशिया में सबसे विराजमान शिवलिंग पृथ्वीनाथ मंदिर पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। आइए नजर डालते हैं एक बार पूरी खबर पर। सोमवार के दिन एशिया भर में अपनी वीरता के लिए मशहूर ऐतिहासिक शिवलिंग पृथ्वीनाथ मंदिर पर सोमवार के दिन भक्तों के भारी भीड़ जुड़ी है। हर कोई भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। सावन मास होने के नाते यहां पर भक्तों की भारी भीड़ जलाभिषेक करने के लिए प्रतिदिन आती है। सोमवार व शुक्रवार को यहां पर एक तरह के जनसैलाब जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ता है। सुबह तड़के से ही भक्तों की लाइन लग जाती है, जहां सिलसिला दोपहर तक चलता रहता है। बताया जाता है कि पड़ाव कालीन इस विराट कम शिवलिंग के स्थापना अज्ञातवास के दौरान 20 द्वारा की गई थी। आर्य सुमेध इसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच की है। आपको अपनी वीरता के लिए ये शिवलिंग एशिया भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि ऐसा सहयोग 118 वर्ष के बाद आया है। आज के दिन जल अभिषेक करने के लिए भक्तों की सारी मुरीदें पूरी। और आप कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं पृथ्वीनाथ बाबा जी के दर्शन करने आया था, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है बाबा जी के दर्शन करने से, मन को बहुत शांति प्राप्त हुई है। और जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको जय भोलेनाथ, जय शंकरा। यहाँ पे कितने की संख्या होगी, कुछ बता सकते हैं आप अंदाजा? यहाँ पर लाखों की संख्या में। क्या नाम है आपका और कहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम? हमारा नाम विनय कुमार शुक्ला है। हम दरबार पृथ्वीनाथ में खड़े हैं, जो एशिया की सबसे ऊंची शिवलिंग मानी जाती है। यहाँ आज सोमवार तीसरे सोमवार पे भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं। कितने लोग की संख्या होगी कम से कम यहाँ पे? यहाँ पे आज त्योहार के चलते कुछ भीड़ कम नजर आ रही है, लेकिन अनुमानित भीड़ मान के चलिए कि 5 से 6 हजार आदमियों की है। बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर भोलेनाथ के दरबार में। और यहाँ पे मतलब शासन दुरुस्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत सही ढंग से दर्शन करवा रही है शासन, और जो है कतारबंद लोगों का। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।